अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं ढाबा स्टाइल अंडा करी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको इसकी रेसिपी देंगे, और एक तो हर किसी को पसंद आता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉयल एग चाहिए। तो हमने यहाँ पर एग बॉयल कर लिया है, और जब भी आप एग बॉयल करें, अंडा बॉयल करें, उसमें आप नमक ज़रूर ऐड करें ताकि अंडा फटे नहीं। तो इस तरह से हमने एग को बॉईल कर लिया है। अब हम एक फॉक्स से इस पे निशान लगाएंगे चारों तरफ। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ग्रेवी जो पूरी अंदर तक जाती है एग के अंदर, और दूसरा हम कभी फ्राई करते हैं तो ऑयल ज़्यादा हीट होता है तो अंडा भी फटने का डर रहता है। तो हमें कुकिंग भी बहुत ही सावधानी से करनी होती है, आप इस बात का ध्यान रखें। हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। गैस ऑन कर दिया है, ऑयल भी हमने हीट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, और जब भी आप कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज करें, ऑयल अच्छी तरह हीट कर लें, उसके बाद आप उसमें एग ऐड करें। और मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, और इसमें सब्जी जो बनाते हैं हम तो काफ़ी टेस्टी भी बनता है। हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट अंडे को फ्राई करेंगे, और हम इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, सिर्फ लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इसके ऊपर का स्किन हार्ड हो जाता है तो फिर ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता है। तो हम इस टाइप का फ्राई करते हैं, आप अपने हिसाब से इसे और डार्क कर सकते हैं। ये पे हम इसे निकाल लेंगे, और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमने 1/2 इंच का दालचीनी लिया है, 2 लौंग है, 2 हरी इलायची है, 1/2 टीस्पून हमने साबुत जीरा लिया है, 2 तेज़पत्ता है। अब हम बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। हमने 3 प्याज को बारीक काट लिया था ऑमलेट कट। आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर भी यूज़ कर सकते हैं प्याज को। 2 हरी मिर्च लेंगे, और गैस की फ्लेम हम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। जब ऑयल में हम खड़े मसाले डालकर इस तरह से प्याज डालते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, और हमने इसमें ज़्यादा मसालों का भी यूज नहीं किया है। और कुछ स्पाइसेस लिए हैं, 1 टीस्पून बेसन लिया है हमने, 1/2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है। सभी स्पाइसेस को हम इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बेसन डालते हैं तो इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, और अपने ढाबे पे या रेस्टोरेंट में खाया होगा अंडा करी, उसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी होती है। तो जब आप इस मेथड से बनाएंगे ना तो आपको एकदम वही टेस्ट आएगा। आप लोग इसे एक बार ट्राई कर देखें। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे 1/2 कप ताकि मसाले जले नहीं। हमें मसालों को काफ़ी देर तक भुनना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया था, बट सीन स्किप हो गया है। 2 टमाटर को हमने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था, उसकी प्यूरी हमने रेडी किया है, वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हम प्यूरी डालते हैं तो हमें काफ़ी ईजी भी रहता है, और ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, गैस की फ्लेम लो कर देंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है, मसाला लुक भी कितना प्यारा लग रहा है, और ऑयल पूरी तरह से ऊपर आ चुका है, मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। बट हम इसे 2-3 मिनट और भून लेंगे। हम जितने ही मसालों को भूनते हैं उतना ही टेस्ट अच्छा आता है, और मसाले भी आपको दानेदार दिख रहे हैं। हम इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। मसालों से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हमने इसमें मसाले बहुत ही कम यूज किए हैं, बट हमने जो ऑयल में खड़े मसाले डाले थे उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छी तरह से आ रहा है। आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हुआ है। हम आज अंडा करी बना रहे हैं, बट आप इस मेथड से और भी सब्जियां इस तरह बना सकते हैं इस मसाले में। हमने इसमें 1/2 लीटर पानी यूज किया है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हो। आप चाहें तो एकदम कोरा भी रख सकते हैं, बट हमें थोड़ी ग्रेवी टाइप चाहिए थी। हमने इसमें सभी एग को ऐड कर दिया है। इसमें अब हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और जब भी आप कसूरी मेथी ऐड करें तो आप उसे हल्का रोस्ट कर लें, उसके बाद हाथों से क्रश कर इसमें डालें तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे। जब आप इस मेथड से बनाएंगे अंडा करी तो आप इसका जायका भूल नहीं पाएंगे, इतना लजीज बनता है ये। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। 2 मिनट और हम इसे पकने देंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। और इसके पहले भी हमने एक ही कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं वो भी रेसिपी।
तो गाइस देखा आपने कितना सिंपल और इजी है ढाबा स्टाइल एग करी बनाना। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो के आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।